अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी को हम कैसे कामयाब बनाकर मार्केट से खरीदे हुए कॉइन में मिलियन डॉलर हकीकत में अर्न कर सकते हैं। गाइज, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं और ख़रीदने के लिए कॉइन भी मौजूद हैं और वॉलेट भी आपने क्रिएट कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी मौजूद नहीं है, तो याद रखिएगा पॉलिसी के बगैर किसी भी कॉइन में आप अर्न नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होगा, आपने एक सांचा खींच के जब तक नहीं रखा होगा बाइंग का, तब तक आप मार्केट क्या दुनिया की किसी भी कमोडिटीज़ मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पे भी आप अर्न नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और साथ एक वाक्या शेयर करूंगा एक दोस्त का। मौजूदा हालात में उनके साथ ये समझ लें बात गुजरी है, तो मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि इस वाक्य से आप क्या सबक सीखेंगे और इसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कितनी ज़्यादा मैच्योर हो सकती है। सो गाइज, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपनी वीडियो का सब्जेक्ट बता दूँ। हमारी वीडियो का सब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक बताता हूँ, लेकिन कल मैंने एक वीडियो अपलोड की आप सब दोस्तों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। वहां में मैंने आपके लिए स्पेशल ये जिक्र भी किया था और उसमें हमारी कुछ जो वर्किंग थी वो 1 ईयर की भी थी और 6 मंथ, 9 मंथ की भी। लेकिन इसके दरमियान मैं आपसे एक वाक्या शेयर करना चाहता हूं जो आंखों देखा वाक्या है और हकीकत में मुमकिन है। अगर आप इस गलती से गुजरेंगे बार बार, तो लॉन्ग टर्म कॉइन आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। सो गाइस, मैं आपको रियल वाक्या यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कॉइन बाई किए, यानी कि मान लें कि $5,000 की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उनकी 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो चंद दिनों के अंदर अंदर मान लें कि 6,000 तक पहुँच गई। मतलब कि उनकी पॉलिसी थी कि मैं इसे 1 साल बाद शेयर करूँगा। अब ये 1 साल कौन सा था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये साल 2021 का समझ लें अक्टूबर चल रहा था, ठीक है। और साल 2021 के अक्टूबर में आपको याद होगा मार्केट बहुत ही चमक रही थी, बहुत ज़्यादा समझ लें कि प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कर रही थी। अब हुआ क्या, उसमें उनकी जो बाइंग हुई उस वक्त BTC 46,000 पे था, अचानक BTC 52 तक चला गया, 53 तक चला गया। अब आपने क्या करना है, खाली मेरी बात पे यकीन नहीं करना, आप जाके स्टैट चेक कर सकते हैं। जब साल 2022 का आगाज़ हुआ, मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। अब वो अपनी बाइंग के चंद दिनों बाद ही $1,000 की प्रॉफिट में थे, लेकिन उन्होंने ये सोच रखा था कि जी मैं अगले साल इसे अक्टूबर में सेल करूंगा और 1 साल बाद मेरा $5,000 जो है वो $10,000 हो जाएगा। उस वक्त भी मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा मत करें कि ये 1 ईयर की बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इसमें आप कई मौके गंवा देते हैं अर्निंग करने के। लेकिन खैर, हर इंसान अपनी सोच का मालिक है, एक दोस्त को एक दोस्त की हद तक ही एडवाइस की जा सकती है। आप सब भी मेरे दोस्तों की तरह नहीं, दोस्त ही हैं। सो गाइस, याद रखिएगा कि मैंने हमेशा आपको अपनी एक फैमिली की तरह हमेशा डील किया है। यहाँ पे उनकी आज पोर्टफोलियो की ये हालत है कि उनकी बाइंग सारी की सारी जो करीब 46,700 की थी जब BTC 46,000 पे था, आज उनका पोर्टफोलियो सोचे कहाँ पे होगा। $1,000 की प्रॉफिट भी गई और आज पोर्टफोलियो उनका $2,300-2,400 पे आ चुका है। वो इतने बड़े लॉस से गुजर रहे हैं और उनको परेशानी भी है। उनमें से कुछ कॉइन बैंकक्रप्ट भी हो गए, जिसमें टॉप पे टेरा लूना क्लासिक था। सो दोस्तों, हम नहीं जानते कि इस बीच जो हमने प्लान कर रखे होते हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ मार्केट में आ सकती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई कॉइन बाय करते हैं, तो मैंने जैसे कल की वीडियो आपसे शेयर की, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगा। उसमें BTC था, इथीरियम था, डॉट था, लिंक था और सोलाना था। अब इन पांचों कॉइन की एक तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किए लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसी तरह कभी टेरा लूना की भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी। अब इनमें से जो आपने खुद भी वर्क करना है, अब आप इन मार्केट में जाएँ, स्टडी करें, आपको पता चलेगा BTC, इथीरियम और लिंक, इनके जो बैक जो बोन्स हैं इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डॉट और सोलाना कुछ ऐसे कॉइन हैं, पैसा बहुत देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी टेरा लूना क्लासिक की तरह ही होंगे। टेरा लूना क्लासिक की दोस्तों सप्लाई एक मार्केट से बैंकक्रप्ट होने की वजह कुछ और थी, उनकी सप्लाई बहुत कम थी और प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कुछ ऐसे मसाइल थे। खैर, अब ये जो मैंने 5 आपसे कॉइन शेयर किए, ये आपको चंद दिनों में ही प्रॉफिट दे देंगे।
15 दिन में, 20 दिन में अगर आपने 1000 की भी बाइंग की है तो मुझे यकीन है कि ये आपका 1000, बल्कि अब कल आपने अगर बाइंग किया ना, आज अभी उस वीडियो को सिर्फ 12 घंटे भी नहीं हुए बल्कि 24 घंटे शाम तक हो जाएंगे, रात के 8-9 बजे, तो ये तीनों चारों कॉइन आपको कल की निस्बत आज हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट दे रहे हैं। हमने अभी सेल नहीं करना क्योंकि इतनी प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं है, 150-170 डॉलर का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म की बेस्ट पॉलिसी ये है कि आपका माइंड सेट हो कि जी मैंने ये 6 माह के लिए बाय किए हैं ये कॉइन, लेकिन उस बीच आपकी अपने पोर्टफोलियो पे नज़र हो, आपको $5000 के साथ जहाँ पर एक अच्छी स्मार्ट इनकम मिले आप उसी वक्त मार्केट से निकल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। देखें ये क्रिप्टो की मार्केट है, हाईली वॉलेटाइल, पंप एंड डब, इनोवेशन जोन, और अब CPI रिपोर्ट का आना, PPI रिपोर्ट का आना, फेडरल मीटिंग्स, ये चीज़ें होती रहेंगी, मार्केट गिरती रहेगी, आप वेट करते रहेंगे अब बिग पंप के लिए। सो दोस्तों अगर बहुत लंबे अरसे के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं तो वो तो सिर्फ 2 कॉइन हैं, BTC और इथेरियम, क्योंकि इथेरियम इसकी बैकबोन पे लगा हुआ है, बिल के पीछे भी लगा हुआ है और ये चाहता है जी कि बस मैं किसी तरह BTC की जगह ले लूँ, ये हो नहीं सकता एनीवे, और पीछे रह जाता है डॉट, लिंक, सोलाना, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्ट्रॉन्ग है। अब आपको मैं पॉलिसी बताता हूँ पॉलिसी क्या होनी चाहिए। पॉलिसी गाइज ये होनी चाहिए कि अब जिस तरह कई दोस्त थे हमारे, अब उनकी भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रो दे देता हूँ, उन्होंने 17900 पे BTC बाय किया, BTC 25000 पे चला गया, उन्होंने सेल नहीं किया ये सोचकर कि ये वही मोमेंट है कि ये डेफिनेटली अब 45 पे जाने लगा, वो दोबारा 18 पे आ गया, 7000 की जो अपॉर्चुनिटी थी उसने खो दी। तो अब आपने करना क्या है, अब जो करना है मैं वो बताने लगा हूँ। जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट स्मार्ट मिल रहा हो आप वहाँ से एग्जिट करें। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको लिंक से, मिसाल के तौर पर लिंक आपने कल बाय किया था 6.50 पे या 7.50 पे, लिंक आपका जैसे ही $10 पे जाए आप उससे एग्जिट कर सकते हैं और फिर दोबारा उसे लो पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके जेहन में एक मेमोरी रह जाएगी कि यार ये मैंने 6.50 पे ख़रीदा था या 7.50 पे, अब ये 10 पर आ गया है, मैं निकल लेता हूँ, इसने फिर नीचे जाना है। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट पहले जो थी फ्री चल रही थी, जिस तरह फ्री फॉल होता है, फ्री वोलेटाइल होती है, अब वो वाले मार्केट का हिसाब नहीं रहा, मार्केट जो है वो अंडर द लॉ आ रही है टाइम के साथ। आज से 5 साल पहले मार्केट के हालात कुछ और थे, अब मार्केट के नीचे कानून साजी हो रही है। अमेरिका जो है वो इस वक्त दोस्तों तेज़ी से बिटकॉइन को लेकर यहाँ पर कानून साजी कर रहा है, इथेरियम को लेकर कानून साजी कर रहा है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि अब हमने इसको पिछले दिनों के साथ कंपेयर नहीं करना, कत्तन हमें पिछले, हमने आज के दिन देखने हैं। सो अभी अगर इस साल के 2 महीनों को देखें तो इसमें तो मार्केट के पंप के आने के चांसेस 70% तक बढ़ चुके हैं। खैर उसके बाद अगर बात करते हैं सोलाना की, सोलाना आपने अगर कल बाय किया है 32.25 पे, 32.25 पे, 32.50 पे, अभी आप देखें वो 33.5 पे पहुंच चुका है, यहां पर निकलना नहीं बनता, आप इससे एग्जिट कर सकते हैं $40 पे, 40-45 पे आप एग्जिट करें और फिर आप इसको लो पे बाय कर लें। अब लो पे क्या बनता है इसका, ज़रूरी नहीं है कि 45 पे जाकर आप दोबारा 32.50 का वेट करेंगे, नहीं, आप 45 पे एग्जिट करके इजीली उसे दोबारा 37 पे बाय कर सकते हैं, पुराने लो का वेट ना कीजिएगा। अब एग्जाम्पल देता हूँ, सोलाना भी हो गया यहाँ पर दोस्तों, लिंक भी हो गया, अब डॉट की बात करते हैं। डॉट आपने बाय किया लेट्स सपोज $6 का, उसके अंदर भी यही पॉलिसी। अब BTC की बात करते हैं, BTC हमने कल बाय कर लिया लेट्स सपोज $20,000 पे, ठीक है, BTC चला जाता है $29,000 पे, इतने में समझ आती है, 25 पे आती है, मतलब $5,000 का पंप लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना BTC सेल कर देंगे और दोबारा 20 पे आने का वेट ना करें, आप उसको हाफ वे में बाय कर लें, 22,500 पे बाय कर लें। तो हुआ क्या कि आपने अपना एक अच्छा खासा हिस्सा सेल करके दोबारा आधे लो से बाय कर लिया, तो प्रॉफिट भी निकल आया। बात करते हैं इथेरियम की, अब कल अगर आपने इथेरियम बाय किया 1560 पे सपोज, अभी इथेरियम पहुंच गया है 1650 पे, अभी निकलना नहीं बनता, आप इसमें से 2000 पे निकलते हैं, ये हो गई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जब 2000 पे जाएगा मैं तब सेल कर दूंगा, 2500 पे जाएगा मैं तब सेल कर दूंगा, चलिए आप 2500 पे सेल कर देते हैं, 2500 पे सेल करने के बाद आप दोबारा 2500 पे बाय तो नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फिर से आप क्या करेंगे, बिग क्रैश का वेट। 3 दिन के अंदर तो क्रैश लग जाता है, आपने देखा होगा पंप से ज़्यादा क्रैश आता है मार्केट में, क्यों, आपको मालूम है कि लिक्विडेशन करके फ्यूचर ट्रेडर वालों का सत्यानाश किया जाता है, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहती है, हम क्रैश का वेट करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 वीक, आफ्टर दैट आप क्या देखेंगे, आपको इथेरियम दोबारा 2100 पे मिलेगा, आप 2100 पे बाय कर लेंगे। सो दिस इज़ द लॉन्ग टर्म पॉलिसी, यूज़ योर माइंड, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और आप एक
अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आप में से अगर किसी को भी मेरी कल वाली वीडियो देखने का इतफाक नहीं हुआ तो उसका लिंक आपने ज़रूर देख लेना है, यूटिलाइज़ कीजिएगा और ये लॉन्ग टर्म के 5 कॉइन आपको डेफिनेटली 100% आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकते हैं, इवन के उसमें आप BNB को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये पॉलिसी पर अमल करके आप वाकई ही में $1 million अर्न कर सकते हैं। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।